नमस्कार, कारवां सितारों का और मैं यानी जेवी मनीषा आपकी हमकदम इस कारवां में। आज इस कारवां में जिस सितारे की चमक के रूबरू हम आपको अपने साथ लिए जा रहे हैं वे हैं श्री शाहबाज खान। जिंदगी मिलने से लेकर के जिंदगी को जानने तक का समय वो होता है जिसे हम और आप बचपन कहते हैं। शाहबाज खान जी का बचपन कैसे गुजरा, आइए उन्हीं से पूछें। 10 मार्च 1966 हमारे इस कारवां के सितारे ने जन्म लिया इंदौर में। ये नहीं जानता कोई भी कि आने वाला कल कैसा है। कभी कभी तो आने वाला समय बहुत आसान होता है तो कभी चुनौतियों भरा, पर कहते हैं ना जो आग में से गुजरे वही निखरता है कुंदन सा। हमारे आज के सितारे ने भी जीवन की हर चुनौती का सामना किया और तब उन्होंने अपने भीतर वो काबिलियत पैदा की जिसकी आज दुनिया दीवानी है। शाहबाज खान साहब से मिलने का मौका मिला तो हम बिना उसे गवाए जा पहुंचे उनके घर और उनके जीवन की कैसेट को रिवाइंड मोड में डालकर पूछने लगे उनसे बीते दिनों की बातें। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को आदाब करता हूँ। मेरी पैदाइश इंदौर में हुई, एक म्यूजिकल फैमिली में जन्म लिया था। उस्ताद अमीर खान साहब मेरे फादर। फिर इंदौर में पैदाइश के बाद हम लोग बॉम्बे आए, बॉम्बे में काफ़ी वक्त गुजारा। बॉम्बे में हिल ग्रेंज स्कूल में पढ़ता था, फिर का अराउंड मेरे ख्याल 5 साल कुछ बॉम्बे में रहा। जब 6-7 साल का हुआ तो मेरे फादर की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट से। उसके बाद हम लोग, मैं और मम्मी, आई एम द ओनली सन, तो मैं और मम्मी चले गए हम लोग नागपुर। नागपुर में एक जगह है कैंटोनमेंट एरिया, उसका नाम है कामठी। इट इज़ कॉल्ड कैम्पटी था, लेकिन उसको नाम कामठी कर दिया। बड़ी खूबसूरत सी एक अलूफ सी, जो कैंटोनमेंट एरिया जैसे होते हैं, वहाँ पर एक स्कूल है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। वहाँ पे मैंने अपना बाकी का एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर वहाँ से 10th मैंने किया। उसके बाद हम लोग वहीं नागपुर आ गए, बिकॉज सेम डिस्ट्रिक्ट नागपुर आ गए। नागपुर में मैंने कॉलेज किया। फिर कॉलेज के बाद काफ़ी, मतलब एक जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो काफ़ी सपने, काफ़ी अरमान थे कि ये भी कर लूँ। अब क्योंकि क्लासिकल एक म्यूजिकल बैकग्राउंड था तो चाहता था सिंगर बन जाऊं। जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आता है जब हमारा अपने आप से परिचय होता है और ये पता चलता है कि हमारा रुझान किस ओर है। शाहबाज खान जी का रुझान अभिनय की ओर कैसे हुआ, आइए उन्हीं से पूछें। कभी कभी दिमाग सोचता है और मन उसे मान लेता है कि जिंदगी की मंजिल क्या होनी चाहिए। वैसे तो ये सीधे सीधे तय नहीं होता, लेकिन रास्ते धीरे धीरे मंजिल की ओर ले ही जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद सोच कहां कहां नहीं ले गई, लेकिन आत्मा में छिपा कलाकार भला कला से दूर कैसे जाने देता। होटल मैनेजमेंट से बॉलीवुड का सफर जरा पेचीदा है, लेकिन है मजेदार। ग्रेजुएशन के बाद होटल में मैनेजमेंट की तरफ कोशिश की, होटल्स में एक्सपीरियंस लेने के लिए काम किया। देन कुछ मज़ा नहीं आया, बिकॉज क्रिएटिविटी जो होती है, एक इंसान का जो अंदर का कलाकार होता है, वो मेरा अंदर का कलाकार मुझे पुकार रहा था। एंड देन मैं 89 में बॉम्बे आ गया। 89 में जब मैं बॉम्बे आया, उसके बाद ये तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है बॉम्बे को,
और अगर मन में लगन सच्ची हो, और खैर अगर लगन सच्ची हो और कुछ करने का जज्बा हो, तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो नकारेगी। हर जगह से इंसान को एक रिस्पॉन्स मिलता ही है। फिर बॉम्बे आ गया, और बॉम्बे आने की बात तो हिस्ट्री है। उस्ताद आमिर खान साहब, जो संगीत की दुनिया का एक जाना माना नाम रहे, उनके पुत्र शाहबाज खान साहब, उन्होंने म्यूजिकल बैकग्राउंड के होते हुए भी संगीत को क्यों नहीं बनाया जिंदगी का मुकाम, आइए जानें। म्यूजिक, सबसे पहले तो म्यूजिक, जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ, उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं 7 या 8 साल का था, तो मेरा इतना मेरा साबका म्यूजिक से नहीं पढ़ सका, क्योंकि मम्मी का कहना था कि अगर मैं गाऊं भी तो मैं इतना अच्छा तो गा नहीं पाऊंगा कि जैसे मेरे वालिद थे, और ना उनका मकाम हासिल कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ और करो, मतलब आप म्यूज़िक से हट के कुछ करो, आप म्यूज़िक करोगे और फिर आप बोलोगे, लोग कहेंगे कि आमिर खान साहब का बेटा, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो उससे मतलब उनके नाम को भी, खैर उनका नाम तो कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, लेकिन इसलिए मैंने डिसाइड किया कि प्लेबैक सिंगिंग का शौक तो था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई और क्रिएटिव फील्ड चुनते हैं। तो मैंने ये फील्ड चुनी, एक्टिंग। अब अभिनय की ओर मन बना ही लिया तो जरूरी था कि उसके दाव पेचों को समझा जाए और उनके मुताबिक चला भी जाए। शाहबाज जी ने भी अपने आप को तैयार करने की कोशिश की, जबकि उनका ये मानना है कि अभिनय कहीं भीतर होता है, कला पैदा नहीं की जाती, वो कहीं आत्मा में समाई होती है। जिंदगी परिश्रम मांगती है, सफलता यूं ही नहीं मिलती। हर कलाकार अपनी अपनी तरह से स्ट्रगल करता है, लगन और हार न मानना ही बुलंदियों तक पहुंचाता है। एक्टिंग का मसला ये था कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो थी नहीं, थिएटर किया था बचपन में, स्कूल में एक मराठी प्ले किया था जिसमें मेरा डबल रोल था, नहीं डबल रोल नहीं था, डबल पार्ट था, उसमें भी मैं विलन ही बना था, लेकिन वो दैट स्टोरी सेंटर्ड अराउंड दैट कैरेक्टर, और वो मैंने प्ले किया था। उसके बाद एक दो प्लेज और किए कुछ इंग्लिश में, कॉन्वेंट स्कूल में जब मैं कामठी में था। उससे ज़्यादा फिल्में देखने का शौक़ था। फिर जब मैं बॉम्बे आया तो म्यूज़िक, लोगों ने मुझसे कहा कि आप म्यूज़िक ठीक है, आप इतने बड़े कलाकार के बेटे हैं, लेकिन व्हाई डोंट यू बिकम एन एक्टर, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, तो एक्टर बनने का शौक तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मतलब ग्रोइंग बॉय और गर्ल इन दिस कंट्री, यू नो, सबका ये अरमान है कि किसी तरह से कैमरे के सामने आए। और मेरे ख्याल से सब के यूथ के भी दिल में यही है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं टेलीविज़न पे इतने नए नए इतने कलाकार आ गए हैं, तो मेरे भी दिल में था कि why not give it a try? तो मैंने कहा चलो एक्टिंग कर लेते हैं। मैं जब मुझे तकलीफें तो काफ़ी उठानी पड़ी, स्ट्रगल इतनी ज़्यादा मैंने नहीं की, मतलब स्ट्रगल का मतलब होता है एक्टर एज एन एक्टर स्ट्रगल ऐसी ये होती है, दुनिया भर के एक्टर ये स्ट्रगल करते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो बना के ऑफिस में जाइए और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को कन्विंस कीजिए कि मैं आई कैन डिलीवर द गुड्स एंड मैं काम कर सकता हूँ, और वो आपको ये, इसको स्ट्रगल कहते हैं, एक्टिंग की स्ट्रगल है, सभी जानते हैं। लेकिन
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे वो उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने का मौका नहीं आया, क्योंकि मेरे मिजाज में भी वो इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं किसी के ऑफिस जाऊं और ये करूं। वैसे तो शाहबाज खान जी का स्ट्रगल के बारे में कहना कुछ अलग ही है, मगर फिर भी वे अपनी जिंदगी में अपने द्वारा की गई मेहनत को क्या रूप देते हैं, आइए जानें। ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की, ट्रेनिंग की एक मधुमति जी एक टीचर हैं एक्टिंग की, जिनके पास काफ़ी एक्टर्स जाया करते थे, तो वो वहाँ डांसिंग करवाती थी और फिल्मों के डायलॉग्स जैसे कोई सीन दे देती थी अमिताभ बच्चन की फिल्म का या नसीरुद्दीन शाह की फिल्म का, तो वो सीन परफॉर्म करो। तो उससे क्या होता था, बेसिकली उसको ट्रेनिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्टिंग की ट्रेनिंग तो जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वो एक्टिंग की ट्रेनिंग है। ये एक तरह से इंसान के अंदर का जो हिजाब होता है, जो एक शर्म होती है, जो एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है उससे कि आप चार लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं। और एक्टिंग, व्हाट आई फील इज एक्टिंग इज अ वेरी एक्सप्रेसिव जॉब, इट इज बेसिकली अ जॉब ऑफ एक्सप्रेशन। तो अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आप कितने अच्छे से अपने अंदर के कलाकार को बाहर ला सकते हैं और कितनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज एक्टिंग। आई डोंट फील के एक्टिंग के लिए कोई स्टडी की ज़रूरत है या यू हैव टू फॉलो अ पैटर्न और यू हैव टू। मेरे ख्याल से एक्टिंग जो चीज़ है वो इज़ बेसिकली योर स्टडी ऑफ योर इनर सेल्फ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये किसी स्कूल में और किसी इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाई नहीं जाती। तो एज एन एक्टर ये सिलसिला शुरू हो गया, आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ। टीपू सुल्तान एक खास धारावाहिक और उसमें टीपू सुल्तान का एक खास किरदार जिसे निभाया शाहबाज खान साहब ने। इस किरदार के बारे में वे क्या कहते हैं, आइए जानें। I was little lucky कि मैं उस वक्त जब नया था, I was 22 years old जब टीपू सुल्तान का किरदार मेरे सामने आया संजय खान के सीरियल में, तो वो किरदार बड़ा डिफ़िकल्ट था। और आई वॉज़ लकी कि मुझे एक 16 साल के बच्चे से लेके 70 साल के मैच्योर्ड आदमी तक का उसमें क्राफ्ट था। देखने वालों को फिल्मी दुनिया बेहद रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक दिखाई पड़ती है, पर इस दुनिया की वास्तविकता का परिचय उन्होंने बेहिचक दिया। यहाँ हर काम में कड़ी मेहनत है, पसीना है। फिल्मी दुनिया का वास्तविक चेहरा अनावृत करते हुए क्या कहते हैं शाहबाज जी, आइए जानें। हमारी जो स्टेज की जो थिएटर की जो क्राफ्ट है वो काफ़ी मसलन ब्रॉडवे म्यूजिकल्स वगैरह से बहुत पीछे है, लेकिन जस्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल परफॉर्मेंस बाय मे बी नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल, हम लोग वी आर ग्लूड। ब्रॉडवे म्यूजिकल्स में जब मैंने देखे उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, एक्टिंग तो खैर थी, लेकिन ये भी है कुछ चॉपर स्टेज पे आ जाता था, हेलीकॉप्टर आ जाता था, बारिश होती थी, इट इज़ लाइक अ फैंटसी। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस इज बेसिकली वेरी अर्दी, वेरी रियल परफॉर्मेंस। तो आई फील कि हमारे जो एक्टर्स हैं वर्ल्ड क्लास एक्टर्स हैं, जो इन कंडीशन में काम करते हैं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उनको देख देख के सीखा बचपन से, उनको ही ज़्यादा देख के, उनको ही उनकी ही तरह की, मतलब उनकी कॉपी कर करके, इमिटेट कर करके, आईने के सामने कभी अमिताभ बच्चन बन गए, कभी दिलीप कुमार बन गए, इसी तरह से इंसान सीखता है। और इसी तरह से जस्ट अपनी आंखें खुली होनी चाहिए, नॉलेज, गेनिंग नॉलेज इज़ व्हाट, गेनिंग नॉलेज इज़, दुनिया इतनी बड़ी है, अपनी अगर इंसान आंखें खुली रख के चारों तरफ देखता रहे तो काफ़ी नॉलेज हासिल हो सकती है। बस मैंने उसी तरह से एक्टिंग सीखी।
मेहनत के बारे में उनके विचार बड़े सीधे और बेबाक हैं। मेहनत को खास तवज्जो देते हुए हमसे अपने विचार उन्होंने इस तरह से कहे। जो रोल्स मुझे मिलते थे वो नॉर्मल रोल्स नहीं थे, वो रोल्स थे मतलब आई रिक्वायर्ड फिजिकल फिटनेस, घोड़े चला रहे हैं, तलवारबाजी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, रात रात भर डायलॉग्स याद करता था और गर्मी में दाढ़ी लगा के ये पहन के कॉस्ट्यूम, घोड़े की बहुत मैंने वो कोशिश की, राइडिंग की। ये कि ये फिल्म लाइन एक ऐसी लाइन है जो एज एन ऑनलुकर आपको बड़ी ग्लैमरस नज़र आएगी कि यार वाह यार क्या बात है यार, ये तो ऐश कर रहे हैं लोग एक्टर, लेकिन बेसिकली ऐसा है नहीं। देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और देर इज़ अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम होता है। अगर आप सेट पे, फिल्म सेट पे जाएं, एक्टर्स को देखें, तो वहाँ एक्टर्स और लाइटमैन और स्पॉट बॉय और कैमरामैन सब लोग अपने काम में मसरूफ होते हैं, फिर जो आउटकम है वो ग्लैमरस लगता है। तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी रियल प्रोफेशन, इट इज़ लाइक इट्स अ वेरी, आई थिंक फिल्म मेकिंग इज़ द टफेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सबसे कठिन प्रोफेशन है। 1991 में नाचने वाले गाने वाले से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले शाहबाज खान जी ने एक के बाद एक ढेरों फिल्में की। फिल्मी संख्या में आधी सेंचुरी से अधिक फिल्में कर चुके हमारे मेहमान की अन्य फिल्में थी मेरी आन, धरती पुत्र, धारावाहिक चंद्रकांता, दरमिया, किला, मेजर साहब, मेहंदी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हिंदुस्तान की कसम, ऑफिसर, बादल, राजू चाचा, प्यार जिंदगी है, हम किसी से कम नहीं, किस्मत, प्राइम मिनिस्टर, लेडीज टेलर आदि। इतनी सारी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदारों को पूरी निष्ठा से निभाने व जान डाल देने की कला में पारंगत शाहबाज जी सफल होते हुए भी सफलता का अहंकार नहीं रखते। वे अपनी हर प्राप्ति का श्रेय किसे देते हैं, आइए जानें। मेरी जो कुछ भी सफलता है इसका जो श्रेय मैं दूंगा, तो बेसिकली इट्स लक एंड लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ी। हर इंसान के पहलू में एक दिल होता है और उस दिल की कुछ पसंद होती है तो कुछ नापसंद। आइए शाहबाज खान जी से जानें कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। आई लाइक ऑनेस्टी, आई लाइक इंटेग्रिटी, आई लाइक मुझे क्वालिटीज ज़्यादा पसंद है, मुझे आई लाइक नेचर, आई लाइक टू रिलैक्स, आई लाइक टू इंजॉय लाइफ, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई चिल्ड्रन, आई लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स विच अ नॉर्मल पर्सन वुड लाइक। I dislike also a lot of things. I dislike lies. I dislike लोगों में होता है ना, बहुत लोगों में ईगो प्रॉब्लम होता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब I despise एकदम जो egoistic लोग हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और I dislike whatever is happening in the world today, terrorism, this, that. It's uncalled for. चार दिन की जिंदगी है, इंसान हंसते खेलते जिए, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ जी लें, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दूसरे पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू थोपने की ज़रूरत क्या है। बस यही चीज़ें हैं जो
दुनिया को, वर्ल्ड इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, लेकिन इंसान ने, खुदा ने दुनिया बनाई, एक खूबसूरत जगह बनाई और इंसान को कहा कि जाओ रहो ऐश करो, लेकिन इंसान ने इस जगह को धीरे 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 बहुत बहुत उथल पुथल मचा दी इस दुनिया में. दैट इज़ वॉट आई डोंट लाइक. आई विश वर्ल्ड वुड बी अ पीसफुल प्लेस वेयर जहाँ कोई झगड़ा नहीं, जहाँ कोई फसाद नहीं, जहाँ लोग रहें आराम से, जिए खाए पिए ऐश करें. चुनौतियों भरा जीवन इंसान को काफी कुछ सिखाता है. सफलता के लिए की गई मशक्कत इंसान में परिपक्वता लाती है. ऊंचाई पर पहुंचकर भी धरातल से जुड़े शहबाज खान जी ने जिंदगी को काफी करीब से देखा और समझा. आइए उनसे जाने उनकी राय समाज के लिए उनके संदेश के रूप में. दर्शकों के लिए मेरा यही संदेश है कि जीवन एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, एंड उसको उसके साथ ऑनेस्ट रहना, जीवन को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. जीवन को हमेशा एक सीरियस नज़र से देखें. वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव इन द फ्यूचर, तो यूथ को चाहिए कि they should look at their life very seriously and they should not take their life for granted. और भाईचारे से रहें. ये जो मसले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब दुनिया अपनी खुद के बनाए हुए इंसानों के, हम सब के खून का रंग एक है. बनाने वाले ने, ऊपर वाले ने फ़र्क नहीं किया. सबको बारिश दी, सबको सूरज दिया, चांद दिया, हवा दी. जब उसने फ़र्क नहीं किया है तो हम लोग कौन होते हैं फ़र्क करने वाले कि आप ये हो और आप वो हो या ये हो. उसने तो कभी फ़र्क नहीं किया कि चलो आप ये कम्युनिटी के हो आपको ये मिलेगा, आप वो कम्युनिटी के आपको वो मिलेगा, ऐसा नहीं किया. तो हमारी क्या औकात है, हैसियत है कि एज इंसान हम एक दूसरे में फ़र्क करें, वो एक चीज़. और सबसे अहम चीज़ जो है वो एक वो है हार्ड वर्क, परिश्रम, जो कि इंसान को तकदीर तो खैर होती है लेकिन तकदीर के साथ साथ हमारे उर्दू में एक वर्ड है तदबीर. तदबीर इज़ व्हाट यू डू, तकदीर इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर. लेकिन तदबीर आप तक जब तक आप तदबीर नहीं करेंगे आपकी तकदीर आपका साथ नहीं देगी. तो ये एक शेर है, एक फनी सा शेर है लेकिन एक आई थिंक दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग, कि ए नंगे एतबार दुआ पर न कर इन हिसार, ए बेवकूफ हिम्मत मर्दाना चाहिए. दैट मीन्स कि आप सिर्फ दुआ पर और इस पर और अपनी डेस्टिनी पर मत डिपेंड कीजिए, आपको हिम्मत चाहिए. यू हैव टू गो अहेड एंड डू इट. वो भी एक शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले. तो कहना यह है कि जब तक इंसान हार्ड वर्क ना करे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकता. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स विद आस टूवर्ड्स आर सेल्फ एंड टूवर्ड्स आर नेशन. शाहबाज खान जी हर किरदार को किरदार नहीं वास्तविक रूप दे डालते हैं. ऐसे अभिनय के प्रति समर्पित व्यक्ति को हम सभी की तरफ से शुभकामनाएं. समय किसी के लिए ठहरता नहीं और वो नहीं ठहरा हमारे लिए भी, मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया. अगले सप्ताह इसी कारवां में एक नए सितारे के साथ आपकी फिर मुलाकात करवाएंगे. तब तक के लिए जेवी मनीषा को इजाजत दीजिए. नमस्कार.